पहुंच गए दोस्तों। देखिए स्टेडियम, ये है स्टेडियम, वो देखिए क्रिकेट चल रहा है। अभी अंदर से देखेंगे हम लोग क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे चल रहा है। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है फिलहाल। ये देखिए इतने सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर, ये सब खेलने वाले लोग हैं। पूर्वोत्तर रेलवे क्रिकेट स्टेडियम। तो पहुंच गए हम लोग देखिए फील्ड में, और यहाँ पर चल रहा है मैच। मैच में चल रही है बैटिंग इंजीनियरिंग टीम की। यहाँ पर दो टीमों के बीच में मैच हो रहा है, कंस्ट्रक्शन टीम और एक है इंजीनियरिंग टीम। तो यहाँ पर सब रेलवे के ऑफिसर्स हैं और रेलवे के एम्प्लॉई हैं, तो सभी लोगों के बीच में मतलब अलग अलग सेक्शन वाइज मैच चल रहा है, और जो जीतेगा वो पहुँचेगा आपका सेमीफाइनल में, फिर फाइनल में। तो आज मैच चल रहा है कंस्ट्रक्शन वर्सेस इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की बैटिंग हो चुकी है और उनके टोटल जो स्कोर है उनका 125 बना पाए हैं वो लोग, और जीतने के लिए चाहिए इन लोगों को 126 रन। तो अब ये मैच जो है ना सेकेंड पारी का चल रहा है, और पहली पारी का हम नहीं बना आ पाए यहाँ पर, हम नहीं बना पाए। तो आप ये सेकेंड पारी का देखिए, पूरा का पूरा इसमें आपको मिलेगा कि कौन टीम जीती है, कौन सी टीम हारेगी, ये तो आपको पूरा मैच देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों एंजॉय करते हैं और देखते हैं। नए बल्लेबाज के रूप में, नए बल्लेबाज के रूप में, जिसका होम पिच है, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको अपने हिसाब से बैटिंग के लिए या फील्डिंग के लिए देखा जाए कि क्या करते हैं। ये तीन विकेट लिया है, सिग्नल का इन्होंने इसको रोका था, अच्छा रोका था इसको, सिग्नल का इन्होंने दोनों बल्लेबाजों का एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 61। बहुत ही गलती है, दोबारा में खेल दिया है, इसके पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। बहुत ही आसानी से दो रन पूरा किया, जब तक धीरज के टोटल करें दोनों बल्लेबाजों का दो रन लेने का पूरा मौका। अच्छी गेंद, फिर एक बार रन चुरा लिया, अच्छी बल्लेबाजी, एक अच्छा आत्मविश्वास देखा जा सकता है नेगी और मनीष के चेहरे पे, उनके बल्लेबाजी में काफी प्रसन्न। इंजीनियरिंग के कप्तान सेमीफाइनल मैच, अच्छी गेंद और इसको कट कर दिया है, जब तक इस खिलाड़ी ये तो फील्ड करे दोनों बल्लेबाजों पास एक रन लेने का पूरा मौका। सिग्नल के कप्तान को खुद गेंदबाजी करनी चाहिए, देखनी चाहिए हमारे हिसाब से मैच पे नियंत्रण अगर बनाना है तो। नौ ओवर में स्कोर 67। स्टेडियम से अंपायर बाजार को क्रॉस करते हुए मनीष के लिए अच्छी गेंद, धीरे से उसको कैच कर रहा नहीं गया, हो सकता है दूर हो, फील्ड किया फॉलो। अच्छी गेंद, मैं विकेट की दिशा में खेला, आप जब तक इसको फील्ड करें दोनों बल्लेबाज ने एक रन दे दिया, इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 68। विकेट की तलाश, सिग्नल को विकेट लिखे के लिए, बहुत ही सुरक्षात्मक
ऐसी कोई गेंदबाजी नहीं कर पाया सिग्नल के गेंदबाज। अच्छी गेंद और बहुत ही अच्छी तरीके से नेगी और मनीष अच्छा साथ निभा रहे हैं अपनी टीम के लिए। फ्लाइटेड गेंद थी जिसको एक रन के लिए खेल दिया। समाप्ति 11 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 80 रन 5.10 का रन औसत। दोनों बल्लेबाज शुरू से ही 7 का रन औसत मेंटेन करके खेल रहे हैं। बड़ा ओवर लेके कॉलोनी से अंपायर बाजार को ग्राफ करते हुए गेंदबाजी करेंगे अपने ओवर की पहली गेंद। लेग स्टंप से बाहर अंपायर का इशारा वाइड। अच्छी गेंद हवा में, गेंद के पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। जब तक गेंद को फील्ड करें दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन लेने का पूरा मौका था। बाइस के अपने व्यक्तिगत स्कोर पे खेल रहा है नेगी। एक बार फिर पॉली गेंद से अच्छी गेंद, शानदार गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद अपने कंधों में पूरी जिम्मेदारी रखते हुए सिग्नल के कप्तान। टोटल अनुशासन के साथ गेंदबाजी करते हुए बहुत ही अच्छी गेंद थी। अच्छी गेंद जिसको बैट्समैन ने एक रन लिया। जब तक गेंद विशाल गेंद को फील्ड करें दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का मौका। देखिए अपने 23 रन के व्यक्तिगत स्कोर पे खेल रहे हैं सामने मनीष। ओवर की अगली गेंद अच्छी गेंद लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर जरूर थी लेकिन काफी छकाया बल्लेबाज को। बहुत अच्छी गेंद थी लेग स्टंप के बाहर जरूर थी, वाइड जरूर कही जाएगी लेकिन अच्छा गेंद था ये, छकाया बल्लेबाज को, रिस्की गेंद थी। एक बार फिर अच्छी गेंद, एक रन चुराया बल्लेबाजों ने। पूरे निश्चितता के साथ बल्लेबाजी हो रही है मनीष और नेगी की, कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं दोनों बल्लेबाज। एक रन चुरा लिया स्कोर बोर्ड में 1 रन का। अच्छी गेंद एक बार और गेंद के पीछे जब तक खिलाड़ी भागे तब तक दोनों बल्लेबाज फिर चाल गति करते हुए 1 रन पूरा किए। जब तक गेंद को फील्ड करे खिलाड़ी 1 रन और बढ़ता हुआ स्कोर 87। हवा में गेंद जरूर वहां पे खिलाड़ी देख ही नहीं पा रहे कि गेंद कहां है सूर्य की रोशनी के कारण। 2 रन अगला ओवर अच्छी गेंद लेकिन
हल्का सा स्टीयर किया, गेंद को घुमा दिया, गेंद के पीछे बहुत दूर खिलाड़ी जब तक पहुंचता, दोनों बल्लेबाजों पर बहुत ही आसानी से दो रन लेने का पूरा मौका था। स्कोर पर था भाई क्या थे? एक बार फिर इसको फील्ड ऑफ की दिशा में खेला, जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करें दोनों बल्लेबाज टहलते हुए एक रन और पूरा किए, स्कोर बढ़ता हुआ 92 रन। एक बार फिर खेल लिया तो विकेट आउट कवर के बीच से एक और रन। धीरज बहुत ही अच्छा शॉट बॉलर के ऊपर से, वहां पे जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करे एक रन लेने का पूरा मौका। नेगी और मनीष धीरज सिग्नल के गेंदबाजों को बिल्कुल इजली खेल रहे हैं, कोई तनाव नहीं, कोई दबाव नहीं। गेंद हवा में, जरूर गेंद के पीछे खिलाड़ी दूर है, कैच ट्राई करना चाहिए। प्रशंसा करनी होगी दोनों बल्लेबाजों का, बहुत सही शॉट लगा दिया, प्रशंसा करनी होगी ओवर के पहले। ये चलिए आपकी बार बल्ले से नहीं आया तो भाई आ गया, रन तो आना ही है, पाकिस्तानी है, इंजीनियरिंग के बल्लेबाज नहीं बल्ले से आया तो भाई आ गया, रन तो मिलना है उनको। और इसी के साथ इंजीनियरिंग का 100 रन, 26 रनों की जरूरत। अपने ओवर खेल लिए, अच्छी गेंद, नाइस गेंद, बहुत ही अच्छा रन। चालीस गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता। अच्छी गेंद, कैच कर सकते थे बालकों में, लेकिन सिर्फ गेंद को रोका, रन बचाया। विकेट की अभी भी तलाश, 39 गेंदों में 26 अभी भी तलाश है। अच्छी गेंद, काफी गेंद हवा में, एक रन, इसको पकड़ सकते थे। ऐसे सिग्नल रोकना पड़ेगा सिग्नल की टीमों को। ठीक है विशाल जी, फिर वही हुआ, क्या करिश्मा है, क्या दुर्भाग्य है सिग्नल के टीम के खिलाड़ियों का। अच्छी गेंद जो बीट हो रहे हैं, वो विकेट कीपर भी बीट हो जा रहा है, नहीं बैठ जा रहा है तो भाई गिर जा रहा है, क्या लक है। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, क्या पसंद किया जाए, क्या तारीफ किया जाए दोनों बल्लेबाजों को, जहां जा रहे हैं वहां घुमाने जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, दो और रन, 105 रन, अब 14 ओवर में 105 रन। बहुत बढ़िया, चेंज किया, चेंज ऑफ पेस मार गए, दो ओवर किनारा लगता हुआ। मैच में कुछ जान अभी बाकी है दोस्तों, दूसरे विकेट का पता। पैंतीस गेंदों में बड़ी है, एक बार फिर इसको मेड ऑफ की दिशा में खेला, जब तक खिलाड़ी जिसको फील्ड करे दोनों बल्लेबाजों के पास एक रन लेने का मौका। औपचारिकता है शेष मैच में, मैच पूरी तरह से पकड़ में है,
अच्छी गया लो कैच का संभावना बन रहा था। अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रहा है। रन लेने का कोई इरादा नहीं। बल्लेबाजी अगली गेंद ठीक है, बहुत अच्छी गेंद आगे निकल रहे, रन लेना चाहते थे और ये अभी बहुत ही अच्छा थ्रो। अंपायर के ऊपर दबाव बनाते सिग्नल के खिलाड़ी। अच्छी गेंदबाजी एक बार फिर एक रन चुरा लिया। जब तक गेंद पीछे नहीं भागे तब तक दोनों बल्लेबाज देख रहे। आनंद सामने आफ्ताब विकेट की तलाश, रन चुरा लिया एक रन आंखों में इशारा करते हुए मनीष ने। फुल टॉस गेम एक रन से संतुष्ट, जब तक खिलाड़ी गेंद को फील करें। दोनों बल्लेबाज टहलते हुए एक रन ले लिया। कम से कम लगातार 2 से 3 विकेट गिराने की जरूरत है। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बाल बाल बचे, भाग्यशाली रहे। आनंद ओवर की समाप्ति, अच्छा ओवर था ये सिग्नल का। 16 ओवर की समाप्ति पर हमारे साथ स्कोर बताएंगे 114 रन। कंटिन्यू मनीष के लिए पेवेलियन से अपने ओवर की पहली गेंद उल्टा से खिलाड़ी आगे बाग बुला लिया था। गेंद बाउंड्री लाइन के साथ जा रहा है, गेंद के पीछे खिलाड़ी भाग रहा है और शानदार फील्डिंग। इस फील्डिंग की जरूरत तो पहले ओवर से ही था जो सिग्नल के खिलाड़ी कर रहे हो। जब आखिरी स्थल चल रहा है खिलाड़ी आगे बुला लिया था, गेंद हवा में बाहर था। अगर खिलाड़ी पीछे होता तो सीधा कैच था। अच्छी गेंद खेल लिया तो प्रवीण ने अच्छा फील्डिंग किया, लेकिन 2 रन लेने का पूरा मौका बल्लेबाज के पास। 8 रनों की महज औपचारिकता है मैच में। बहुत ही गंदी गेंद, हवा में उछल दिया। देखना बस 6 होता है कि 4। 6 रन स्कोर बराबर हो गया है 125। इसके लिए इंजीनियरिंग को और ये हवा में 60 वहां पे विशाल तैयार। खुशी कहे या कम अच्छा बल्लेबाजी किया मनीष ने। बाउंड्री के बाहर ना भी जाए तब भी जीत तो हो ही गई है इंजीनियरिंग की, लेकिन ये देखना है क्या गलत होता है। एक रन और इंजीनियरिंग की टीम जीत गई 7 विकेट से। ये बेटा